हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? यहाँ पर रेडी हो चुकी है ये शलगम की सब्जी। और सब शलगम हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, सीजनल वेजिटेबल है, तो विंटर स्टार्ट हो चुकी है तो हमें ज़रूर बनानी चाहिए और खानी भी चाहिए। तो मैंने बनाई और वाकई बहुत टेस्टी बनी है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट कर ली है। तो अब लाइक देना तो बनता है, तो प्लीज लाइक भी दे दीजिए। आप सोच रहे होंगे सब्जी अच्छी बनी है, हमें कैसे पता? तो कोई बात नहीं, लाइक आप बाद में दे दीजिएगा, पहले आप रेसिपी देखिए। रेसिपी देखने के बाद ही आप लाइक दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिए है 1/2 kg शलगम, जिसे हम टर्निप भी बोलते हैं, और उसमें ये 5 पीसेस आए हैं और काफी सॉफ्ट हैं क्योंकि अभी फ्रेश ही मार्केट में आए हैं, तो स्किन काफ़ी सॉफ्ट है इसकी। तो आप चाहे पीलर से कर लीजिए या नाइफ से, मैं नाइफ से ही निकाल रही हूँ तो बड़ी आसानी से ही ये पील हो रहा है। तो छिलका हम पूरा इसका इसी तरह से निकाल लेंगे, और यहाँ पर मैंने पूरा छिलका इसका निकाल दिया, आप देख सकते हैं, और इसको कट कर लेंगे। जब मैंने इसको कट करा तो काफ़ी सॉफ्ट है, ये देखिए बड़ी आसानी से नाइफ चल रहा है इसमें, एकदम सॉफ्ट है, फटाफट से कट हो रहा है। तो इस तरह से हमने सारे जो टर्निप है इनको पील कर लिया था, उसके बाद मैंने वॉश किया और बाद में कट करा। और यहाँ पर आप देखिए तड़के के लिए हमने ले लिया लहसुन, अदरक और प्याज, और यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर थे, मैंने उनको पीस लिया। उसकी बना ली हमने प्यूरी, आज थोड़ा सा यूनिक तरीके से ही हम तड़का लगाएंगे। तो ये प्यूरी हमारे पास है टमाटर की, और इसी में मैंने डाल दिया नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, ये सारी चीज़ें हम आज इसी तरह प्यूरी में ही मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी ये मतलब गल जाती है और तैयार हो जाती है। तो यहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पर, गैस अभी सेम है, मस्टर्ड ऑयल का मैंने यूज़ करा, कलर से आपको पता लग रहा होगा। और जो हमने ये शलगम है इनको कट करा था, इसको हम कढ़ाई में डालकर सोते कर लेंगे। ये सारे शलगम मैंने इसमें डाल दिए, और ये देखिए हम इसको सोते कर रहे हैं, चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल नीचे लगे नहीं। तो हमने इसको बस इतना ही करना है कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। इससे क्या होता है कि शलगम में जो थोड़ा कसैलापन होता है वो निकल आता है। सारे शलगम निकाल लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाले, यहाँ पे जीरा, हींग और साबुत धनिया लिया है, और इसको हम उसी तेल में डाल देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया था। गैस लो रखेंगे ताकि ये एकदम से चटक कर जल ना जाए। साथ ही डाल देंगे हम लहसुन, ये भी पतला पतला लंबाई में हमने काटा है, अदरक और प्याज। तड़के को अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब हमने मसालों के साथ जो टमाटो प्यूरी बनाई है उसको इसमें मिक्स कर देंगे, है ना, थोड़ा अलग तरीका। तो इसको हम तब तक भूनेंगे, थोड़ा मैंने गैस को तेज कर लिया कि ये पूरा सूख जाए। जब तड़का पक जाएगा तभी हम इसमें शलगम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आंच तेज करके हमने इसको पका लेना है, और यहाँ पे देखिए सारा पानी सूख चुका है और ये हमारा तड़का रेडी हो गया। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे शलगम। अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो सारा मसाला है इस पे कोट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी, 1 गिलास मैंने डाल दिया इसमें और 1/2 गिलास और। वापस हिला लेंगे इसको, और इसको हम तब तक ढककर पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है, वैसे तो शलगम बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन पानी इसलिए डाला ताकि जो
मसाले हैं वो इसके अंदर पूरे अब्जॉर्ब हो जाएं। जितनी देर ये इसके अंदर रहेंगे अच्छे से इसके अंदर सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं तो क्या होता है कि हमारे जब हम इसको खाते हैं शलगम को तो एक मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो वो जो मीठा टेस्ट है वो नहीं आएगा, सब्जी का एक प्रॉपर टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने चम्मच से कट करके देखा है सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको बिना ढके ही पकाऊंगी ताकि जो ग्रेवी है वो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, और ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पानी चला गया और गाढ़ी होगी ग्रेवी, और हल्की ही रखनी है हमने, और ठंडा होने पर ये भी बिल्कुल इसमें से सूख जाएगी और जो मसाले पूरे अच्छे से ऐड हो जाएंगे। अब सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे मैंने बाउल में निकाल लिया इसको, और ये देख सकते हैं आपकी धनिया पत्ती से मैंने इसको गार्निश किया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर लीजिए ये गर्मा गर्म फुल्का। मुझे तो लगी है भूख, मैं तो लगी हूँ खाने, बहुत गर्म गर्म चपाती है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो आप भी इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।